News 18, India. उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा गिराने पर भड़की हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि इस पूरे बवाल में पुलिस अधिकारियों समेत करीब 140 लोग घायल हो गए। हिंसा तब भड़की थी जब पुलिस और प्रशासन की एक टीम सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मदरसे को गिराने पहुंची, और जैसे ही बुलडोजरों ने मदरसों की दीवार पर एक्शन शुरू किया, भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया था। आरोप है कि मदरसे के आसपास मौजूद घरों की छतों से पुलिस पर बड़े बड़े पत्थरों से धावा बोला गया था, लेकिन हालात तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे जब लोगों की भीड़ ने बनभूलपुरा थाने को घेर कर पथराव शुरू कर दिया था। उस दौरान पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। देखते ही देखते आग की लपटों ने वहां कोहराम मचा दिया। सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही नहीं, बल्कि आरोप है कि उपद्रवियों ने कई दूसरी गाड़ियों में भी आग लगा दी थी। आगजनी की इस घटना से पहले अवैध मदरसा तोड़ने पर कुछ महिलाएं पुलिस से उलझ गई थी। बाद में हालात संभालने के लिए पुलिस को उन पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे पुलिस की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अवैध मदरसे को गिराने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, वहां की गलियों में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। देखकर ऐसा लगा जैसे लोगों की भीड़ मदरसे की तरफ दौड़ पड़ी हो। हालांकि पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए गलियों के आगे बैरिकेड लगा दिए थे, और दावा किया गया कि इसी वजह से भीड़ में शामिल लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आरोप है कि उपद्रवियों ने अवैध मदरसे के पास पुलिस की टीम पर चारों तरफ से घेर कर पथराव किया था। आरोप यह भी है कि पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम से हमला किया गया था। इसका एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, और उस वीडियो में लोगों की भीड़ पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकती दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां आसमान से पत्थरों के साथ पेट्रोल बम की बारिश हो रही हो। हिंसा के इस भयानक वीडियो में एक उपद्रवी हाथ में पेट्रोल बम लेकर आगे बढ़ता नजर आया। थोड़ी दूरी तक आगे बढ़ने के बाद उसने उस पेट्रोल बम को पुलिस वालों की तरफ फेंक दिया, जबकि दूसरे लोग पुलिस पर बेहिसाब पत्थर फेंकते रहे। वीडियो में पूरी सड़क पत्थरों से पटी नजर आई। इस दौरान वहां कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो पथराव और पेट्रोल बम फेंक रहे उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते दिखाई दिए। आरोप ये भी है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई थी। लोगों के द्वारा कंट्रीमेट वेपन और इनके जो इलीगल आर्म्स हैं उनके द्वारा फोर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, उसी के बाद में गोली चलाने का आदेश दिया गया। बाद में हिंसा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन अवैध मदरसे को गिराने से भड़की हिंसा का ये इकलौता वीडियो नहीं रहा, बल्कि कई ऐसे वीडियो सामने आए जिनकी जाँच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस वीडियो में दिखने वाले उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुट गई, और हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना के इलाके में यह हिंसा इसलिए भड़की थी कि जब नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने एक अवैध मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक वो मदरसा करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था, और उसे हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी मदरसे को सरकारी जमीन से नहीं हटाया गया। इसी वजह से एक रोज पहले प्रशासन की एक टीम मदरसा हटाने के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन जैसे ही बुलडोजर से मदरसे को तोड़ने का काम शुरू किया गया, वहां अचानक हिंसा भड़क गई थी। पुलिस वालों से धक्का मुक्की के बाद उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई थी। बाद में लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जिले की डीएम वंदना सिंह के मुताबिक हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से सड़कों और चौराहों को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अवैध मदरसे पर भी कार्रवाई की गई थी। इस प्रॉपर्टी पर जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड है, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके बाद भी उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था। आरोप है कि थाने में लोगों की भीड़ ने कुछ पुलिस वालों को जिंदा जलाने तक की कोशिश की थी, और प्रशासन का आरोप है कि अवैध मदरसा गिराने पर भड़की हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस को निशाना बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक अवैध मदरसे को गिराने के लिए प्रशासन की तरफ से 30 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था, और नोटिस देने के बाद प्रशासन की तरफ से उस पूरे इलाके पर नजर रखी गई थी, क्योंकि प्रशासन को इस बात की आशंका पहले से थी कि अवैध मदरसे को हटाने के दौरान वहां हिंसा भड़क सकती है। प्रशासन का यह भी दावा है कि मदरसे को गिराने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद से ही पुलिस पर हमले की तैयारी शुरू कर दी गई थी। बाकायदा प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी भी दी कि 30 जनवरी तक मकानों की छतों पर पत्थर जमा नहीं किए गए थे, लेकिन इसके बाद प्लान के तहत पत्थर जमा करने का काम शुरू किया गया। इसमें जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं, वो एम्प्टी हैं, उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों का दबाव नहीं है। लेकिन जब एक रोज पहले पुलिस और नगर निगम की टीम अवैध मदरसे को हटाने के लिए पहुंची,
तो उपद्रवियों ने पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद मकानों की छतों से उन पर पत्थरों की बरसात कर दी गई थी। इसी वजह से प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया कि पहले से ही हिंसा फैलाने की प्लानिंग की गई थी, जबकि इस दौरान पुलिस और प्रशासन की तरफ से किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि आखिरी वक्त तक बवाल कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बाद भी अवैध मदरसे को गिराए जाने से नाराज भीड़ ने वहां जमकर तांडव किया था। आरोप है कि उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को ही आग के हवाले कर दिया था और उसी वजह से वहां हाहाकार मच गया था, क्योंकि दावा किया गया कि जिस वक्त थाने में आग लगाई गई थी उस दौरान वहां कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। आरोप है कि उपद्रवियों ने उन्हें थाने के अंदर ही जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी। हिंसा के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आईं उनमें बनभूलपुरा थाना बुरी तरह जला हुआ दिखाई दिया। थाने के अंदर और बाहर हर तरफ तबाही के निशान नजर आए। पुलिस स्टेशन के बाहर तो हिंसा में जली हुई गाड़ियों का पहाड़ दिखाई दिया। ये जो मंजर है पूरी तरीके से गवाही दे रहा है कि किस तरीके की स्थितियां कल के दिन हल्द्वानी में थी। उपद्रवियों ने सिर्फ थाने को ही अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि आसपास के कई मकान भी हिंसा की भेंट चढ़ गए। हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर ही दिखाई दिया। हिंसा भड़कने के बाद प्रशासन ने अगले आदेश तक पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया। पूरा रेलवे बाजार इस वक्त सन्नाटे में दिखेगा आपको, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस ने सभी जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर के बनभूलपुरा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यही नहीं, सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पैरामिलिट्री की 4 और पीएसी की 2 कंपनियां भी उस इलाके में तैनात कर दी गई, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। इस बीच बीजेपी सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने आशंका जताई कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि पुलिस वालों पर पूरी तैयारी के साथ हमला किया गया था। मदरसे पर एक्शन के बाद पहले पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की गई थी और फिर उनके ऊपर मकानों की छतों से पत्थर बरसाए गए थे। इसी दौरान लोगों की भीड़ ने थाने पर भी धावा बोल दिया था। इसी वजह से बीजेपी सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने आशंका जताई कि हिंसा भड़काने के पीछे प्रतिबंधित संगठन और कट्टरवादी संगठन पीएफआई का दिमाग हो सकता है। सुनियोजित ढंग से हिंसा की गई, पीएफआई का रोल तमाम जगह इस तरह से हिंसा फैलाने में रहा है। हल्द्वानी में हुई हिंसा पर तो आईएमसी यानी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण दे दिया। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। अपने इस बयान में उन्होंने अवैध मदरसा गिराने पर हुई हिंसा के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदार ठहरा दिया। और इन सबके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर हिंसा में घायल लोगों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। बताया गया कि इस दौरान वहां मौजूद कुछ घायलों ने मुख्यमंत्री के सामने अपना दर्द भी बयां किया और ये बताने की कोशिश की कि कैसे उपद्रवियों ने उन पर हमला किया था। घायलों के मुताबिक लोगों की भीड़ ने पत्थरों के साथ कांच की बोतलों से उन पर धावा बोला था। इस घटना के 24 घंटे के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंच गए। उन्होंने अवैध मदरसा गिराने के बाद भड़की हिंसा में घायल लोगों से भी मुलाकात की। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें मुख्यमंत्री घायलों से उनका हालचाल पूछते नजर आए। बाद में उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने नगर निगम के घायल कर्मचारियों से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने दावा किया कि हिंसा भड़कने के बाद लोगों की भीड़ उनकी जान लेने पर आमादा थी। छतों में से बच्चे बूढ़े सब पत्थर बोतल के बोतल भर भर के फेंक के मार रहे हम लोग, जैसे तैसे हम लोग अपने आप को बचा कर वहां से निकले हैं। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी वीडियो की जांच कर दूसरे आरोपियों तक पहुंचने में जुट गई।